राजधानी भोपाल में विदेशी कंपनियों से एनजीओ के नाम पर पैसे की ठगी करने वाले 11 आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर निशिकांत विश्वास की शिकायत पर जांच में गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में सेंट जॉन एवेंजेलिकल लूथरन नाम से एक एनजीओ मिली, जिसमें 11 लोग जुड़े हुए हैं और वह विदेशी कंपनियों से गरीबों के नाम पर पैसा लेकर अपने निजी काम में खर्च कर रहे थे, जिसे गंभीरता से लेते हुए उन पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। जितना भी जो एशियन रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, उनका जो एनजीओ बने हुए हैं, उनमें जो विदेशी फंडिंग होती है एफसीआरए के तहत, जो बाहर से पैसा मिलता है उन संस्थाओं को डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए मिलता है, तो इनमें जो समिति जो इनकी बनी थी, इनके जो एनजीओ का नाम था सेंट जॉन एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, इस नाम से गोविंदपुरा में एक रजिस्टर्ड इनने फर्म बना रखी थी, जबकि एक्चुअल में उसकी जानकारी ली गई तो संस्था बन नहीं पाई गई। इसी आधार पर जो और भी डॉक्यूमेंट पूरी प्राथमिक जांच में प्राप्त हुए हैं, उसमें इस कमेटी में जो एनजीओ बना हुआ था, इसमें कुल 11 लोग थे। इन सब ने मिलकर विदेशी फंडिंग का जो पैसा था और चर्च की जितनी भी जो संपत्ति थी उसको अनाधिकृत रूप से विक्रय किया है। उस संबंध में जो है 11 लोगों के खिलाफ थाना क्राइम ब्रांच भोपाल में एक अपराध कल कायम हुआ है, उसमें अभी आगे जांच चल रही है।